अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप टीपी लिंक के राउटर WR840N को एज अ रिपीटर कैसे यूज़ कर सकते हैं या उसको एज अ रिपीटर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट आईपी लिखेंगे राउटर का 192.168.0.1, एंटर कर देंगे, लॉगिन वाला इसका पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे। तो ये राउटर हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन मोड है, यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन है रेंज एक्सटेंडर की। इसको WISP मोड पे भी चला सकते हैं, एक्सेस पॉइंट भी बना सकते हैं। रेंज एक्सटेंडर पे क्लिक करेंगे, इसको सेव कर देंगे। इसको जब हम सेव करेंगे तो ये रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा राउटर दोबारा से रिस्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे दोबारा से एडमिन वाला पासवर्ड लगाएंगे। तो अब ये यहाँ पे रेंज एक्सटेंडर मोड पे काम कर रहा है। यहाँ पे वायरलेस पे जाएंगे हम। वायरलेस पे जाने के बाद यहाँ पे स्कैन करेंगे। स्कैन की ऑप्शन जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वाईफाई होंगी यहाँ सामने आ जाएंगी। ये एक मुकम्मल लिस्ट हमारे सामने आ गई है जो आपके करीब होगी या आप जिस राउटर से करना चाह रहे होंगे कि वाईफाई के सिग्नल्स भी यहाँ पे सामने आ जाएंगे। तो जिस वाईफाई से हम इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसके सामने कनेक्ट की ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर उस वाईफाई का नाम आ गया, उस राउटर का नाम आ गया, उसका माइक एड्रेस आ गया और यहाँ पे हम सिक्योरिटी मतलब कि उस राउटर का पासवर्ड डाल देंगे। इसको सेव कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास इस आईपी के साथ ही हमारा राउटर ओपन नहीं हो रहा, नेट इसमें आ चुका है। नेट हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, कोई वेबसाइट खोल कर देख लेते हैं। तो नेट तो हमारे राउटर में आ गया लेकिन इस आईपी पे ओपन नहीं हो रहा। अब अगर आप इस राउटर को ओपन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना पड़ेगा, इंटरनेट की सेटिंग खोलना पड़ेगी, नेटवर्क में जाएंगे हम और यहाँ पे हम स्टेटस चेक करेंगे। डिटेल्स में जाएंगे तो ये वो राउटर का आईपी शो कर रहा है जिसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। तो इस आईपी को हम खोलेंगे और इस आईपी के ज़रिए उस राउटर को खोलकर हम चेक करेंगे कि अब हमारे राउटर का आईपी कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास वो राउटर ओपन हो चुका है जिससे हमने इसको एज अ एक्सटेंडर कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये राउटर हमारा शो हो रहा है और इसका आईपी ये वाला है। इसको यहाँ से क्लिक करेंगे सिंपली तो हमारा राउटर ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास हमारे राउटर का इंटरफेस आ चुका है। अगर आप इसको एज अ एक्सटेंडर नहीं चलाना चाह रहे तो आप यहाँ पे ऑपरेशन मोड पे आएंगे। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी मोड सेलेक्ट करेंगे तो उसको आप वहाँ पर सेव कर देंगे तो आपका राउटर उस मोड पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस राउटर को परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप हमारी वेबसाइट का ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पर इस राउटर की प्राइसिंग भी मिल जाएगी आपको। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हर वीडियो के एंड पे हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।